अस्सलाम वालेकुम अजीज साथियों, बहुत से अफराद ने रिक्वेस्ट की है कि हकीम साहब कब्ज़ ने बहुत ज़्यादा तंग कर रखा है, उसके लिए कोई स्पेशल एक वीडियो बनाएं। तो मैंने चाहा कि आपको चंद मुफीद बातें आपको बताऊं इस मौजू पर। वो हजरात इस वीडियो को देखें जिन्हें कब्ज़ बहुत ज़्यादा तंग करता है, वो हजरात इस वीडियो को देखें जिन्हें शुगर की वजह से जिनका निज़ाम इन्हज़ाम में बहुत ज़्यादा बिगाड़ आ चुका है, जो कि कब्ज़ में भी मुबतला है, वो भी इस वीडियो को लाजमी देखें। और वो हजरात भी इस वीडियो को देखें जो कि एजड हैं जिन्हें कब्ज़ बहुत ज़्यादा तंग करता है, और वो हजरात भी इस वीडियो को देखें जो कि इंटेस्टाइनल किसी प्रॉब्लम में मुबतला हैं, वो हजरात इस वीडियो को लाजमी देखें और आखिर तक देखें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मेरे अजीज साथियों, कब्ज़ का दुनिया में माना हुआ सबसे बड़ा इलाज है वो है फाइबर। फाइबर क्या है, फाइबर कहाँ से हासिल करेंगे और नेचुरल फाइबर के वसाइल क्या हैं हमारे पास? दुनिया में जो कि सबसे अहम जुज़ फाइबर का करार दिया गया है वो गंदम है। गंदम में बहुत ज़्यादा मिकदार में फाइबर हमें मिलती है। अब हम गंदम से फाइबर कैसे हासिल करेंगे? अब आप तमाम लोगों के घर में गंदम की रोटी तो पकती होगी। आप अपने अहलिया या अपनी बीवी के पास जाएं और उन्हें कहें कि आप जब आटे को छानती हैं तो वो छान या वो पाउडर बच जाता है आटे से, उसको अलग कर लें। यही दरअसल फाइबर है। अब इस फाइबर को आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ऐसा करें कि रात को सोने से पहले एक बड़ा चम्मच, जिससे हम चावल खाते हैं, एक चावल वाला चम्मच आप उस फाइबर का और एक चम्मच इस्बगोल की तुही, जिसको इंग्लिश में इस्बगोल हुस्क कहते हैं या उर्दू में आप इस्बगोल की भोसी कह लें, ये आप एक चम्मच चावल वाला ये डालेंगे और एक चम्मच चावल वाला आप डालेंगे गंदम का जो फाइबर है वो, ये दो चम्मच अच्छी तरह से मिलाकर भी खा सकते हैं या एक साथ पहले एक खा लिया फिर दूसरा खा लिया, ये ऐसा भी कर सकते हैं। आप दो चम्मच ये खाएंगे रात को सोते वक्त, एक हफ्ते तक इस तरह से इस्तेमाल करें, आपका कब्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और मज़े की बात यह है कि यह किसी भी किस्म का कोई जुलाब नहीं है जिसकी वजह से कोई आपको पेट में मरोट वगैरह हो या कोई तकलीफ़ हो और सख्त आपको मोशन आने लगे, बल्कि इससे सिर्फ आपका पेट साफ़ होगा और आपको किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। और ये कब्ज़ का एक माना हुआ इलाज है। और इस अगर एक हफ्ते तक आप में आपको इसमें कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता तो आप दूसरे हफ्ते से क्या करेंगे कि फाइबर, गंदम का जो फाइबर है उसके आप दो चम्मच लेंगे और दो चम्मच लेंगे आप इस्बगोल हुस्क के, यानी मिकदार आप डबल कर लेंगे। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आप रात को सोते वक्त खाएँ, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही शानदार आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कितना ही पुराना कब्ज़ क्यों ना हो, बिल्कुल इससे ख़त्म हो जाएगा। और मज़े की बात यह है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि कब्ज़ का इलाज सिर्फ और सिर्फ जुलाब है, पर्गेटिव अद्वियात हैं, बिल्कुल नहीं। कब्ज़ का इलाज जुलाब से किया ही नहीं जा सकता, बल्कि जुलाब खुद कब्ज़ को और ज़्यादा बढ़ा देता है। जुलाब वक्ती तरह से आपके पेट को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करता है, आपको मोशन हो जाते हैं, जुलाब हो जाते हैं, जिसके बाद क्या होता है कि आपके आंतों में बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है और दूसरे दिन आप जुलाब लेने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर आप नहीं लेते तो आपको फिर कई दिनों तक वापस वो कब्ज़ हो जाता है। तो वो अफराद बाकायदा जुलाब के आदि बन जाते हैं और मुसलसिल जुलाब लेते रहते हैं। तो उन अफराद के लिए मेरा स्पेशल मशवरा है कि वो जुलाब को बंद करें, क्योंकि जुलाब खुद कब्ज़ को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। जुलाब को बंद करें और फाइबर लें। फाइबर ही दुनिया में माना हुआ एक वाहिद जो है जुज है, एक वाहिद दवा है जो कि कब्ज़ को जड़ से ख़त्म करती है और उसमें न आपको किसी भी किस्म के कोई मोशन नहीं होते, किसी भी किस्म के आपके पेट में कोई मरोट नहीं होता, कोई तकलीफ़ नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, हल्का सा आपका पेट नरम रहता है और आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाता है। आप यकीन करें, आप चंद दिनों तक ये इस्तेमाल करेंगे, आपका कब्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो अफराद जो कि कब्ज़ की वजह से परेशान हैं तो उनको आप बता सकते हैं कि ये कब्ज़ का 101% यकीनी इलाज आप उनको ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बेहद आजमाया हुआ नुस्खा है और बेहद अच्छी चीज़ है। आप इसे इस्तेमाल करें और हमें दुआओं में याद करें।
अगर आप इस कार्य खैर में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।